अस्सलाम वालेकुम साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने उर्दू लिखना सीखा था, उर्दू के हर्फों को लिखना सीखा था और हमने उसे जान लिया है कि उर्दू के हर्फों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें उर्दू के लफ्ज बनाने आएंगे, यानी वर्ड्स फॉर्मेशन आएगा, हर्फों से वर्ड्स बनाना यानी लफ्ज बनाना, जैसे अल्फाबेट से वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो हमें उर्दू में ये देखना पड़ेगा कि कौन से हर्फ को हम किसके आगे और पीछे जोड़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ हर्फ बता रही हूँ, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है वो भी बताऊंगी। पहले तो कुछ हर्फ ये हैं, बे, बताती हूँ। जैसे ये हमारा बे है, वो किसी भी दूसरे हर्फ से जब जुड़ेगा, कोई लफ्ज बनाएगा, तो वो उसके आगे भी जुड़ सकता है उस दूसरे हर्फ के, और उस दूसरे हर्फ के पीछे भी जुड़ सकता है। जैसे कि जब हम इसे जोड़ेंगे तो हम इसे कट करके आधा कर देंगे, यानी आधा जोड़ेंगे। समझिए, मैं इसे प से जोड़ रही हूँ, पे से जोड़ रही हूँ। तो जो बाद में आने वाला हर्फ होता है वो अपनी पूरी शक्ल में रहता है, और जो पहले आने वाला हर्फ होता है वो अपनी आधी शक्ल में हो जाता है। जैसे कि हम ब और पा को जोड़ेंगे तो ब का आधा और प का पूरा हो जाएगा, तो ये हमारा हर्फ जुड़ गया। अब मैं इसी की आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम बा और सीन को जोड़ रहे हैं, सीन, सीन बाद में लाएंगे और बा को पहले जोड़ेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, बा आधा और उसके साथ सीन पूरा, ये हो गया हमारा बस। तो ये हमारा एक लफ्ज बन गया, हमने दो लफ्जों को, दो हर्फों को जोड़कर एक लफ्ज बनाया। उसी तरह जब हम पा, ता और टा और सा को जोड़ेंगे तो आगे जोड़ते वक्त ये आधा हो जाएगा, इस तरह आधा हो जाएगा, इसकी शक्लें इस तरह हो जाएंगी। और पीछे जोड़ते वक्त ये पूरा रहेगा, आधा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बा पहले जुड़ रहा है तो आधा हो गया है, और पा बाद में जुड़ रहा है तो पूरा का पूरा है। इसी तरह जब हम पे और सीन को जोड़ेंगे तो हमारा पे इस तरह आधा होगा और सीन पूरा होगा। यह हमने इन पांच हर्फों को देख लिया है, हम आगे जोड़ना सीखेंगे किस तरह हम इसे जोड़ सकते हैं। तो इनकी आधी शक्लें ये हैं, ये इनकी आधी शक्लें हैं, जुड़ते वक्त ये आधा हो जाता है। उसके बाद कुछ हर्फ हैं, जीम, चे, खे, खे। जीम मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। ये है हमारा जीम, चे, हे, हे बिना नुक्ते का होता है, और फिर खे, इसके ऊपर एक नुक्ता मौजूद होता है। जब हम जीम को किसी हर्फ के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम आधा कर देंगे और उसका नुक्ता उसके नीचे हो जाएगा। उसी तरह जब हम चे को जोड़ेंगे तो वो भी आधा होकर उसके नुक्ते उसके नीचे हो जाएंगे। हे को भी जोड़ते वक्त आधा हो जाएगा और हे भी उसी तरह आधा हो जाएगा, मतलब इसकी शक्लें कुछ इस तरह हो जाएंगी, जीम, चे, हे, और ये हो गया खे। ये शक्लें आधी जब होंगी जब हम किसी हर्फ को इसके बाद जोड़े, यानी इन आधे हर्फों को पहले और दूसरे हर्फों को बाद में जोड़े। जैसे कि हम बे और जीम को जोड़ रहे हैं, तो अगर हम बे पहले लिख रहे हैं और जीम बाद में लिख रहे हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, आधा बे और जीम पूरा, तो हमारा हो गया बज। अगर हम जीम को पहले और बे को बाद में लिख रहे हैं
तो हमारा आधा जीम और पूरा बे, ये हमारा हो गया जब। इस तरह लिख सकते हैं जब। यह हमने जीम को भी जोड़ना सीख लिया। इसी तरह अगर हम तीन नुक्ता डाल दें तो ये चब चब हो जाएगा, और अगर हम नुक्ते हटा दें तो ये हब हो जाएगा, और एक नुक्ता डाल दें तो खब हो जाएगा। यानी कि ये जो हर्फ है ये दूसरे हर्फों से आगे से और पीछे दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं। आगे से जुड़ते वक्त आधे हो जाएंगे, आधी शक्ल में आ जाएंगे, और पीछे से जुड़ते वक्त पूरी शक्ल में हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और हर्फ हम देखेंगे, उनकी शक्लें किस तरह जुड़ती हैं। उसके बाद है जी हे खे, दाल जाल रे, दाल दाल जाल रे डे जे झे। ये जो हर्फे हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, वो किस तरह जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। उसके बाद आता है सीन। सीन मैंने बाद में आप लोगों को जुड़ना बता दिया है, पहले का बताती हूँ। ये है हमारा शीन। सीन शीन स्वाद ये जोद। अब हम देखेंगे ये हर्फ किस तरह दूसरे हर्फ से जुड़ते हैं। जिस तरह हमारा बे और ये सारे हर्फ पहले जुड़ते वक्त आधे हो गए थे, उसी तरह हमारा सीन भी जुड़ते वक्त आधा हो जाएगा। स्वाद भी, शीन भी और जोद भी, सारे हर्फ आधे हो जाएंगे। हम इस तरह लिखेंगे उनको। ये हमारे आधे हर्फ हैं। हम किसी हर्फ के साथ जोड़ते वक्त इन्हें इस तरह लिखेंगे। यानी अगर हम किसी दूसरे हर्फ के साथ इन्हें पहले जोड़ रहे हैं तो हम इन्हें आधा लिखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स यानी जो पहले आने वाला हर्फ है, सफिक्स यानी जो बाद में आता है, बाद में जुड़ता है। तो अगर हम इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हम इन्हें पहले आधा कर देंगे। अगर हम इन्हें सफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे यानी बाद में दूसरों हर्फों के साथ बाद में जोड़ेंगे तो इन्हें पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रीफिक्स वाली शक्लें हैं और ये सफिक्स वाली शक्लें हैं। स्वाद जोद टॉय, ये हमारा टॉय, टॉय जोय, टॉय जोय हम किस तरह जोड़ेंगे? टॉय जोय को हम आधा नहीं करेंगे, या आगे भी जुड़ सकती हैं, पीछे भी जुड़ सकती हैं, किसी हर्फ के साथ। जैसे कि हम टॉय को बे के साथ जोड़ेंगे तो ये इस तरह तब हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम बे और टॉय को जोड़ेंगे यानी बे पहले और टॉय बाद में, तो हम बे आधा लिखेंगे और टॉय पूरा लिखेंगे। ये हो गया बत। तो इसका ये मतलब है कि हमारा तो आगे और पीछे दोनों तरह से जुड़ सकता है, लेकिन उसकी शक्ल आधी नहीं होगी, वो पूरी ही शक्ल में रहेगा। इस तरह टॉय और जोय पूरी ही शक्ल में रहेंगे। अब हम देखेंगे इसके आगे के हर्फ टॉय जोय आइन। आइन देखेंगे, आइन की इस तरह शक्ल होती है, और ये गाइन, आइन गाइन फे काफ काफ, ये गाफ। मैं इन हर्फों के बारे में बताती हूँ इन्हें किस तरह जोड़ा जाएगा। जब हम ऐन को आगे जोड़ेंगे यानी प्रीफिक्स की तरह जोड़ेंगे तो इसे यहाँ से आधा कर देंगे, यानी इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी, और गाइन की भी इस तरह, और एक नुक्ता आ जाएगा। यानी ऐन और बे को हम जोड़ रहे हैं, ऐन को हम प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यानी पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह लिखेंगे आइन बे अब और गाइन बे गब। अगर आप चाहें तो पे लगा सकते हैं, गब हो जाएगा, ते लगा सकते हैं तो गत हो जाएगा। इनकी शक्लें इस तरह हो जाएंगी, और अगर हम इन्हें बाद में और इन सब हर्फों को पहले इस्तेमाल करेंगे तो इनकी शक्लें इस तरह हो जाएंगी, कुछ इस तरह इनकी शक्लें हो जाएंगी। यानी जब हम बे से जोड़ेंगे तो ये बे आइन बा हो जाएगा, बे आइन बग हो जाएगा। यानी जब इन्हें पीछे इस्तेमाल करेंगे तो इनकी शक्लें
कुछ इस तरह हो जाएंगी, इस तरह कुछ हो जाएंगी। ये हो गया, कुछ खे की तरह लग रही है लेकिन हम इन्हें इस तरह जोड़ सकते हैं। ये बे हो गया, ये पे हो गया, हम इस तरह इन्हें जोड़ सकते हैं। अब हम फे देखेंगे। फे हमने जब बनाना सीखा था तो हमने जाना था कि हम बे की तरह ही बनाएंगे, बस यहाँ गोल कर देंगे। तो जिस तरह हमने बे को आधा किया है उसी तरह हम फे को भी आधा करेंगे और इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी। जब हम पहले इस्तेमाल करेंगे लफ्ज बनाने के लिए तो इस तरह होगी, और जब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरी शक्ल में रहेगी। जैसे कि बे फे बफ, हमने बाद में इस्तेमाल किया है, फे के साथ बे को जोड़ दिया है, ये हो गया बफ। अगर हम फे को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं और बे को बाद में, तो फे हमारा इस तरह होगा और बे इस तरह हो जाएगा, फब। ये हमारी मिसाल हो गई। अब हम काफ देखते हैं। काफ को भी हम इसी तरह आधा करेंगे, हमारा काफ दो नुक्ते वाला हो जाएगा फे की तरह। जिस तरह हमने बे और फे बफ किया था, एक नुक्ता और डाल के गोल गोल कर देंगे काफ की शक्ल में और बे आधा जुड़ जाएगा बक। अगर हम काफ और बे को जोड़ रहे हैं तो हमारे ये हो जाएगा दो नुक्ते वाला कब। अब हम ये काफ को देखेंगे, ये काफ भी उसी तरह है। अगर हम आधा जोड़ रहे हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, और पूरा जोड़ रहे हैं यानी किसी हर्फ के बाद जोड़ रहे हैं तो ये पूरा आएगा, यानी बे आधा और काफ पूरा। और अगर पहले जोड़ रहे हैं तो काफ आधा बे पूरा। ये आपकी मिसाल हो गई। अब हम देखेंगे गाफ। काफ की शक्ल और गाफ की शक्ल मिलती जुलती है तो हम इसी से मिसाल समझ जाएंगे। अगर हम काफ की जगह एक और लकीर लगा देंगे तो ये गाफ हो जाएगा, बग और गब। तो ये हमने कुछ मिसालें देख ली हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद आता है, या आप लोग चाहें तो लिख लें अपनी किसी बुक में, नोट कर लें ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में आसानी हो, या फिर मेरा वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लें। फे काफ काफ गाफ, उसके बाद आता है लाम। हम लाम को देखेंगे, लाम किस तरह लिखेंगे। यह हमारा पूरा लाम है। अगर हम लाम को किसी हर्फ से पहले जोड़ते हैं तो हम उसकी शक्ल आधी लिखेंगे, यानी कुछ इस तरह हो जाएगी। हम पूरा गोल नहीं घुमाएंगे, आधा लिखकर इस तरह कर देंगे। और अगर किसी हर्फ के बाद इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे पूरा लिखेंगे, यानी बे और पूरा लाम बल। और अगर लाम आधा यानी लाम पहले और बे बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह लब हो जाएगा। अगर हम लाम को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी हर्फ के तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, जिस तरह हम एल लिखते हैं, यानी इससे पहले आने वाला हर्फ इससे जुड़ जाए और बाद वाला भी इससे जुड़ जाए। तीन हर्फों का जुड़ने वाला मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगी। लाम के बाद आता है मीम। मीम बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर जब हम मीम को किसी हर्फ से पहले जोड़ेंगे तो हम इसे भी आधा कर देंगे, ये इस तरह हो जाएगा घूम करके, ये हम उल्टा घुमा लेंगे। और अगर किसी हर्फ से हम बाद में जोड़ रहे हैं तो हम इसे सीधा ही लिखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं जम, जीम से जोड़ के दिखाती हूँ, जीम जीम आधा। और अगर बाद में जोड़ रहे हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह हमारा जम हो गया। और अगर हम पहले जीम से जोड़ रहे हैं तो ये हमारा आधा और फिर हम जीम लिख देंगे, मज हो जाएगा। ये देखिए आधा वाला और ये है पूरा वाला, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले मीम फिर उसी में जीम जोड़ दें, जम हो गया। बहुत आसान है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। मीम के बाद आता है नून। नून की भी वही शक्ल है। अगर हम इसे आधा लिखे मतलब पहले लिखेंगे तो आधा लिखेंगे बे की तरह और एक नुक्ता डाल देंगे, हमारा नून हो जाएगा। और अगर हम किसी हर्फ के बाद लिख रहे हैं तो हम इसे पूरा लिखेंगे, यानी मैं ये मिसाल बता रही हूँ, नून और बे को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया नब। हमने आधा नून और पूरा बे जोड़ दिया। और अगर हम नून को बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं और बे को पहले, तो बे और नून बन हो जाएगा। ये हमारी दूसरी मिसाल हो गई।
अभी आप लोगों को नून का भी समझ में आ गया होगा किस तरह आगे और पीछे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोगों ने नून तक देख लिया है, हम किस तरह जोड़ेंगे। नून के बाद कुछ हर्फ आते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे छोटी या। छोटी या को जब हम किसी हर्फ के बाद जोड़ते हैं तो हम उसे पूरा जोड़ते हैं। यानी अगर हम बा और या जोड़ेंगे तो बा आधा और या पूरा जोड़ेंगे, इस तरह हमारा हो जाएगा बी। हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी, ये हमारा हो गया बा और या। अगर हम या को किसी हर्फ से पहले जोड़ेंगे तो हमारा या दो नुक्तों में तब्दील हो जाएगा, यानी ये आधा कट के नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आधा कटेगा तो ये एन की शक्ल में हो जाएगा, इसलिए हम इसे आधा नहीं कट करेंगे। इसके जगह हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी बा की शक्ल का और इसके नीचे दो नुक्ते, तो ये हमारी छोटी ये हो गई। तो हमने इन हर्फों को देख लिया है कि इन हर्फों को किस तरह आगे और पीछे इस्तेमाल किया जा सकता है, किसकी शक्ल कट के किस तरह हो जाती है। पहले इस्तेमाल करेंगे तो आधी हो जाएगी और बाद में इस्तेमाल करेंगे तो पूरी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और भी सीखना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो सारी जानकारी पहुंचा सकूं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।